पहले क्लियर करो तो उससे। हेलो, चलो इमाम सर भी आ गए, उधर से ले लूँ। हेलो, हैप्पी जर्नी। चलिए चलिए। हेलो फाइनली हम सब लोग एक साथ मिल गए हैं इंदौर स्टेशन पे और अभी 5 बजे का अप्रोक्स टाइम हो रहा है, 5:20 की हमारी ट्रेन है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, किसी का आधा इधर है, किसी का आधा अलग अलग डब्बों में है। हमने टिकट बुक कराई है लेकिन ये RAC में रह गई है, कन्फर्म नहीं हो पाई है। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, किसी की भी टिकट कन्फर्म नहीं हुई है तो अब लेटर लेने की जगह बैठ बैठ के जाएंगे। बट फिर भी हमारा जुनून इतना ज्यादा है टॉमी बिजनेस के प्रति कि हम लोग भले बैठ के क्या खड़े होकर भी जाना पड़ा तो हम लोग जाते हैं। और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी को अटेंड कर रहे हैं और हमें ये मौका मिला है। तो चलिए हम पूरी जर्नी इंदौर से लेकर दिल्ली तक की, दिल्ली से वापस आने तक की भी जर्नी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए एंड आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल आरजू एटमी अकेडमी में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो अभी हम लोग नागदा स्टेशन पे हैं और अब हम लोग खाना खाएंगे। सीट तो किसी की कन्फर्म नहीं हुई है तो बैठे बैठे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को आगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो एक राउंड पूरा आप ले लीजिए, फिर मिलते हैं, बने रहिए सब।
जल्दी कर थोड़ा बस सर एक हमारे क्लिक करना ले लो क्लिक कर लो सर साहब उन्हें बेच लै रहे इधर भी कर लो मूं जाएंगे तेरा
Dr. Lupa, Odisha. Okay. You must have seen in the product reading a lot of the time. Yes, ma'am. Yes. Just one photo. हेलो, तो फाइनली हम लोगों ने सेमिनार एनिवर्सरी हमारी अटेंड की और देखे हमें गिफ्ट में क्या मिला। एटमी इवनिंग सभी को मिला। इवनिंग केयर सेट मिला और ये हमें साथ में एक मेमोरी मिली है एनिवर्सरी की, वन ईयर की। तो ये इसकी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एक साइड वीडियो में। तो चलिए, बहुत हो गया आज, बहुत थक भी गए, बहुत सारा काम किया, बहुत इंजॉयमेंट किया, बहुत डांस किया। अभी मैम सबको शॉपिंग कर रही है तो वो बोल रहे हैं जल्दी से वीडियो बंद करो। जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मिला आज। यस यस यस, चलो आ जाओ, ये एटमी है, बहुत कुछ और गिफ्ट में बहुत कुछ मिला। चलिए बाय। अगर आप भी हमारी टीम, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। दूसरे दिन हम लोग रात में भी बहुत लेट हो गए थे आने में और सुबह भी हम लोग बहुत जल्दी उठे हैं। तो ब्लॉग जो है, हम बहुत कुछ शेयर करना चाह रही थी मैं आपसे, बट उतना कुछ शेयर हो नहीं पाया क्योंकि इतनी सब हड़बड़ी थी, इतनी जल्दीबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं और अभी भी हमें ऑफिस जाना है। 8 बजे का टाइम हो रहा है, हम यहाँ से गुड़गांव के लिए निकल रहे हैं टीम के साथ। हम लोग ऑफिस विजिट करेंगे, उसके बाद कुछ इंडिविजुअल मीटिंग्स प्लान करेंगे, देन हम लोग इंदौर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं आपसे शेयर कर पाती हूँ। मैं ऑफिस विजिटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि एटमी का जो हेड ऑफिस है दिल्ली गुड़गांव में वो कैसा है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर ऑफिस में। 21 हो गए अभी, 21 लोग हो गए, ज़्यादा क्या लगे, ये थोड़े हो गए। लाइन लगाओ। Thank you.
वी आर फ्रॉम मुंबई 29 हाँ ये 504794 अर्जुन मजा आया, बहुत एंजॉय करते हुए हम अपने यात्रा को प्रस्थान किए और अभी हम इंदौर जस्ट एक घंटे में पहुंचने वाले हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोगों ने प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाए, जो लोगों ने प्रोग्राम नहीं अटेंड किया, उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, उन्होंने क्या मिस कर दिया? जो भी व्यक्ति ये अपना प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया, वो अपने जीवन के बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, बहुत बड़े मोटिवेशन अपने जिंदगी से दूर कर लिया उन्होंने। बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यात्रा से सभी दोस्तों के साथ यात्रा करना, एंजॉय करना और मोटिवेशन लेना और लाइफ के लिए एक जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, यू टर्न होते हैं। जो जो हमारे साथ मीटिंग में रहे हैं, अटेंड किए हैं, वो उनके सबके जिंदगी में यू टर्न आ चुका है और एक बेहतर ड्रीम बिल्ड करके और आगे बढ़ेंगे जीवन में, आर्थिक आज़ादी के लिए, जीवन में आर्थिक आज़ादी के लिए एक नया आगाज करेंगे। खाना खाया, वो खाना आपको कैसा लगा? अरे सर, खाना तो मतलब ऐसा लगा, क्या फीडबैक आप देना चाहोगे? मतलब कल और सर्विस कैसी थी? हाँ, सर्विस भी इतनी अच्छी थी, मतलब जो कपिल शर्मा का जो करोड़ों रुपए का जो स्टेज बना होता है ना, वो हमको कल फ्री में स्टेज बना हुआ मिला और वो तो बनावटी हंसी थी, कल तो एक्चुअल हंसी थी। और खाना तो इतना लाजवाब था कि पूछो मत। रोटी आ जाए तो दाल नहीं आए, और दाल आ जाए तो रोटी नहीं आए, पानी आ जाए तो गिलास नहीं आए। तो मतलब कुल मिला के काफी अच्छा मनोरंजन रहा। खाना होता है 20 मिनट का, पर एक से सवा घंटा लगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट चलती, जैसे ट्रेन की वेटिंग लिस्ट चलती है, खाने की वेटिंग लिस्ट चलती। हंसी मजाक के साथ खाना खिलाया जाता है वहाँ पर, और बड़ा शानदार खाना रहा और सबने बड़ा एंजॉय किया। पहले तो बोले ये कहाँ पे लिया है, मैं जैसे ढाबे को लेके गया तो मैं कहाँ पे लिया है, मैंने बोला आप नज़ारा देखिए, चालू होगा, स्टार्ट होगा कार्यक्रम, तो भी स्टार्ट होगा। जाफरी सर भी हमारे साथ है, सर आप बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे तो सब कुछ बोल रहे, सबसे अच्छा ज्यादा मजा तो आया ही है जो
प्रधुमंजी ने बताया ना ढाबा ले गए थे जिसमें पूरे प्रोग्राम का सबसे हाईलाइट पॉइंट तो वही था। दिल्ली में कोई चीज अच्छी लगी, उधर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं अपने जितने टॉप लीडर ऑफ इंडिया मुझे बहुत पसंद आई, लोगों को एंगेज करके इधर भी कर दिया, इधर भी आधे लोगों को पार्सल कर रहे हैं, इधर लोगों को बिठा रखा है।